किस तरह की आवाज? पता नहीं डॉक्टर, मैंने दो तीन आवाजें सुनी थी, जिसमें एक आवाज मेरे जैसी थी और दूसरी जैसे ईश्वर की आवाज हो। ईश्वर में यकीन करते हो? पता नहीं डॉक्टर, अगर ईश्वर है तो मुझे लगता है उनकी आवाज ऐसी ही होगी। दिनेश, क्या तुमने ऐसा कुछ देखा जिसे देखकर डर गए हो? हाँ डॉक्टर। क्या? मैंने कुछ चीजें देखी। ओके, तुम जरा मेरे साथ आओ। मैं भी आऊं? सॉरी, आप यहीं वेट कीजिए। जाओ। आओ दिनेश, बैठ जाओ। जी, बैठ जाओ। रिलैक्स। क्या हुआ था बताओ मुझे, क्या देखा तुमने? मेरा दोस्त मर गया, मैंने ही उसे मार दिया। दोस्त का नाम क्या था? रवि। अब तुम कुछ भी मत सोचो, तुम्हारा कोऑपरेशन बहुत जरूरी है। दिनेश, तुम्हारी इजाजत के बिना मैं तुम्हें हिप्नोटाइज नहीं कर पाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड दैट? तेरी इतनी हिम्मत? जय लक्ष्मी। मेरा बेटा भी ऐसे ही तड़प तड़प के मरा था ना। चारों ओर बेहद खामोशी है, वो तुम्हारे दिमाग पर छाती चली जा रही है। हम तुम्हारे अतीत में जाएंगे और तुम्हारी जिंदगी में हुए हादसों का पता लगाएंगे। दिनेश, अब हम तुम्हारे अतीत में धीरे धीरे जा रहे हैं। Are you hearing me, Dinesh? क्या तुम मेरी आवाज सुन सकते हो? हाँ, सुन सकता हूँ। बताओ दिनेश, बिना हिचक बताओ, इस वक्त क्या कर रहे हो तुम? इस वक्त मैं अपने ऑफिस में काम कर रहा हूं। ये चेन्नई की एक बड़ी सॉफ्टवेयर कंपनी है। दिनेश, कंप्यूटर हैंग हो गया, पता नहीं क्या हो गया। ये है मेरे बॉस, अच्छे इंसान है। क्या आपने कोई नया अपडेट किया था? कोई भी प्रॉब्लम हो तो उसे सॉल्व करना और उसे फिर से पेचीदा बनाना मेरी हॉबी थी। ऐसी वैसी साइट पर जाएंगे तो यही होगा। नो मैन, नो। रिलैक्स। तुम भी।
fixed. Thanks a lot, man. ये है मेरा क्लोज फ्रेंड रवि। रवि, क्या हुआ भाई? घर नहीं गया क्या? जरा मेरा फोन देना। किधर पड़ा है? मेरी जेब में। उंगली दी तो हाथ पकड़ रहा है, इतना काम करना अच्छा नहीं है। सोशल सिक्योरिटी नंबर, अमेरिका में ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सोशल सिक्योरिटी नंबर से किसी भी इंसान की डिटेल्स ट्रेस कर सकते हैं, वो कहाँ रहता है और कितने दिनों से रह रहा है, उसके बैंक अकाउंट डिटेल्स, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड डिटेल्स और बहुत सारी डिटेल्स पता की जा सकती है। मगर जब किसी इंसान का सोशल सिक्योरिटी नंबर डुप्लीकेट हो जाता है तो उसका कंट्रोल किसी और के पास चला जाता है। उसी डुप्लीकेशन को रोकना हमारा काम है, इसीलिए हमारे वर्किंग आवर्स बदलने वाले हैं। सर, हमारी ऑफिस की घड़ी में 24 घंटे होंगे या उसे भी बदल देंगे? रवि, सॉरी, गो अहेड। दिनेश, ये प्रोजेक्ट तुम हैंडल करोगे। ओके सर। इस प्रोजेक्ट में मेरा कंट्रीब्यूशन क्या होगा सर? वैसे तुम्हारा सवाल बहुत अच्छा है, जब तक प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए तुम यहाँ दिखाई मत देना। मुझे एक मैट्रिमोनी साइट पर ऐश्वर्या की प्रोफाइल से रिक्वेस्ट आई थी, जिस पर मैंने भी रजिस्टर किया हुआ था। मुझे लगा ऐश्वर्या ही वो लड़की है। वो एक अनाथ आश्रम में बड़ी हुई थी। अब ऐश्वर्या और मेरी शादी को 2 महीने बीत चुके थे। जब तुम अपने कमरे में जाओगी तो उसे अपने लैपटॉप पर पाओगी। उसकी गलती नहीं है, वो बचपन से ही मेहनती है। ये लो, उसे दूध पीने के बाद सोने मत देना। आप कितना काम करते हैं? आज भी आपको काम करना है? ये ऑफिस का काम नहीं है, ये एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जो मैंने अपने यूज के लिए बनाई है। ओ, थोड़ा दूध पी लीजिए। सॉरी, आपको दूध अच्छा नहीं लगता? अच्छा लगता है। अब सगाई के बाद कपल्स अक्सर मिलते रहते हैं, फोन पर ढेर सारी बातें करते हैं, पर मैं काम में बिजी रहा, तुम्हारे साथ वक्त नहीं बिता पाया। कोई बात नहीं, अगर आपने तब बात कर ली होती तो अब बात करने के लिए कुछ नहीं होता। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या बात करूं। अब भी कुछ समझना है? जब तुम्हें पहली बार देखा था तो मुझे महसूस हुआ कि दरवाजा खुल गया। क्या? किसने दरवाजा खोला? तुम्हारी उम्र क्या है? तुम्हें क्या लगता है? 25। क्या 25? पता नहीं, तुम ही बता दो। हाँ, 25 की हूँ। घबराओ मत, भालिग हूँ, पुलिस तुम्हें नहीं पकड़ेगी। कहते हैं कि हर किसी के लिए एक साथी तय होता है, तुम्हारे लिए मैं वो साथी हूं या नहीं, पर हाँ मुझे यकीन है कि तुम मेरी वही साथी हो। जब तुमने मुझे देखा था तब टेक्निकली तुम्हारी आंखों ने 1 GB इन्फॉर्मेशन पास की होगी, और इस इन्फॉर्मेशन ने मेरी हार्ड ड्राइव को ऐसा अपडेट किया कि मेरा पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम एकदम रिफ्रेश हो गया। It's an algorithm developed by... सर, अपना मेल बॉक्स ओपन कीजिए। सर, लगता है आप दूसरा मेल बॉक्स चेक कर रहे हैं। कहाँ जा रहे हो? ऑफिस में एक छोटा सा काम है। अब रमेश की आईडी से लॉगिन कीजिए। कब तक लौटोगे? जल्दी आ जाऊंगा, शायद पासवर्ड गलत होगा सर। ओके, सिर्फ 2 दिनों की बात है। क्या मेरा जन्म हुआ है? नहीं सर, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था, तीसरी लाइन में जो है। जी सर। आज रात को भी सिर्फ बातें करोगे? आज कोई बात नहीं होगी। जी सर, वो जी बोलिए सर। दिनेश, काफी कंप्लेन आ रही है कि हमारे प्रोटोटाइप में एरर है, तुम जल्दी ऑफिस पहुंचो। ठीक है सर, मैं 10 मिनट में पहुंच रहा हूं। क्या हुआ सर? क्लाइंट के बहुत सारे कॉल्स आ रहे हैं, एरर कॉल्स, कंप्लेन कॉल्स, डिटेल्स मेल किए हैं, चेक कर लो। ठीक है सर, जब काम हो जाए तो मुझे कॉल करना। ओके सर। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है।
दिनेश, दिनेश क्या हुआ? अरे दिनेश क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? दिनेश क्या हुआ यार? शॉक लग गया। शॉक सब ठीक है? शॉक लगा? सोच मत, मार दे उसे, जल्दी कर वरना वो तुझे मार देगा। तेरे पीछे। हे तुम ठीक हो ना? कुछ नहीं, मैं अब ठीक हूँ। ओके गेट, चल आजा। चलो उठ के बैठ, आजा आजा। कैसे हुए? मार दे उसे, जल्दी कर आगे रामेश्वर मार देगा। तेरे पीछे है, भागना भागना। तो दोस्तों हमारे शो के अगले सेगमेंट का नाम है सुनने वालों का खत। सुनने में जरा पुराना लगता है लेकिन ये है बहुत काम की बात। आप सुन रहे हैं रेडियो गोल्ड माइन और अगला खत है मिस्टर दिनेश का जो अलवर पेट में रहते हैं और एक आईटी कंपनी में काम करते हैं। हाल ही में इनकी शादी हुई है और ये अपनी शादी से बहुत खुश है लेकिन कहते हैं कि अकेलेपन में उन्हें सुसाइड करने का मन करता है। इस बात ने मुझे भी बड़ी सोच में डाल दिया है और मैं सोचते सोचते ये कहना चाहूंगा कि मिस्टर दिनेश ऐसे ख्याल अपने दिल में मत लाइए, किसी अच्छे नामचीन डॉक्टर को दिखाइए। जल्दी कीजिए, इसका खर्चा हम दे। डॉक्टर को दिखा। डॉक्टर के पास जाओ, तुझे बचा लेगा वरना तू मर जाएगा। अपनी जान बचा। आइए सर, क्या आज ऑफिस में काम करते वक्त आपको शॉक लगा? रवि ने बताया ना। अरे नाराज मत हो, मैं मजाक कर रही थी। रवि ने फोन किया था और उसने माँ को बताया। अब मुझे माफ भी कर दो, इतना भी क्या नाराज हो रहे हो? इतनी छोटी छोटी बात पर गुस्सा नहीं होते। अब कैसे साबित करूँ कि मैं नाराज नहीं हूँ? साबित करोगे? हुँ? बताओ क्या करूं? जो आपका मन करे। अगर आप अपनी शादीशुदा जिंदगी से परेशान हैं, तो सीधा हमारे समीरा रोड के दवाखाने में चले आइए। हाँ जी। क्या हुआ? मुझे पानी पीना है। हाँ भी लाती हूँ। लगता है मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। मुझे एक आवाज सुनाई देती है, मुझे डर लगता है। क्या हुआ आपको? आप इतना घबराए हुए क्यों हैं? कुछ नहीं हुआ, मुझे थोड़ा आराम करना है। ठीक है, मैं किचन में जा रही हूँ, बहुत सारा काम है, आप आराम कीजिए। ये क्या कर दिया मैंने? जाओ जाके डॉक्टर से मिलो। मरने से पहले डॉक्टर के पास जाओ। कौन है? कौन बोल रहा है? मैं हूं। मैं कौन? मैं मतलब कौन? तुम जानना चाहते हो मैं कौन हूं? हाँ, कौन हो तुम? छत पर आ जा, बताता हूं। मैं छत पर क्यों आऊं? आजा, तुझसे और भी कई बातें करनी हैं। लो मैं आ गया। कहां हो तुम? इस तरफ देखो, थोड़ा और आगे आओ, थोड़ा सा और आगे,
पहले दीवार के ऊपर खड़े हो जाओ, फिर बताऊंगा। अब मुझे क्या करना है? करना क्या है? कूचा 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 कूचा, सोच मत, कूचा डर मत, कूचा मैं नीचे ही हूँ, कूचा अभी कूचा। अरे दिनेश, क्या पागल हो गए? क्या कर रहा है तू? ऐसे छत पर क्यों खड़ा है पागलों की तरह? सैर करने के लिए और कोई जगह नहीं मिली क्या तुझे? अभी अगर मैं नहीं आता तो पी रखी है क्या? तो फिर उड़ने की कोशिश कर रहा था क्या? वैसे तुम कब आए? क्या हो गया यार तुझे? मुझे हर वक्त एक आवाज सुनाई देती है। ये बात अपने तक ही रख, बता मत किसी को। ऑफिस में कंप्यूटर से एक हाथ निकला और मुझे उसने अपनी ओर खींच लिया। ये क्या बोल रहा है? कार के रेडियो में भी मैंने यही आवाज सुनी थी और उसी ने मुझे छत पर बुलाया था। उसने कहा कि वो मेरे साथ कुछ बात करना चाहता है। समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। सिर्फ आवाज सुनाई देती है और उसने तुम्हें छत पर बुलाया था? ऐश्वर्या, अरे उसके सामने कुछ मत कहना। ठीक है। क्या हुआ, इतना सीरियस क्यों दिख रहे हो? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं यहाँ रख दो। नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसे ही है। दिनेश, भाभी को बिना बताए कैसे चलेगा? तुझे जल्दी से डॉक्टर से मिलना चाहिए। इन्हें पता चलेगा तो ये भी परेशान हो जाएंगे। एक बात बता, छत पर जाने से पहले ये कॉफी पी के गया था? हाँ, क्यों? अबे ऐसी कॉफी पी के छत से कूदने का मन नहीं करेगा तो और क्या करेगा? भाई कल जाके डॉक्टर को मिलेंगे, उससे पहले छत पर मत जाना। दोबारा कोई आवाज सुनाई देना तो कह देना साहब घर पे नहीं है, कल आना। ठीक है? अच्छा चलता हूँ। अरे रवि, तुम कब आए बेटा? बस अभी आया माँ जी। ये इतना उदास क्यों बैठा है? ऑफिस में कुछ हुआ है क्या? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम सबका काम ही अकेले कर रहा है ना, इसलिए थका हुआ है। मैं अच्छा, चलता हूँ। ठीक है बेटा। खाना बन गया क्या? तुमने मेरी बात पर ध्यान नहीं दिया। कौन सी बात पर? कूदने वाली बात पर ध्यान नहीं दिया। पर मैं ध्यान क्यों दूं? पहले बताओ कि तुम हो कौन। मुझे जानने की कोशिश मत करो। एक बात बताऊं, पहले अपने आप को पहचानने की कोशिश करो। मुझे कुछ नहीं सुना। सुनना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुना। सुनना पड़ेगा। मुझे कुछ नहीं सुना। बस एक बार मेरी बात सुन लो, बस एक बार। चेहरा ऊपर करो और सुनो, बस एक बार, एक बार। सामने देखो, सामने देखो। भारतीय टेनिस स्टार महेश भूपति इस बार ओलंपिक में जा रहे हैं। क्या हुआ, टीवी ऐसे क्यों देख रहे हो? उनकी काबिलियत को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। सभी उम्मीद कर रहे हैं कि कुछ नहीं, गोल्ड मेडल जीत कर आएंगे। मुझे नींद आ रही है। गहरी नींद में सोने का आइडिया दे रहा हूँ, मगर तू मेरी बात ही नहीं सुनता। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुन रही। दिनेश क्या हुआ, चिल्ला क्यों रहे हो? आखिर हुआ क्या है, तुम इस तरह से क्यों देख रहे हो? आजा आजा आजा। अरे कहाँ जा रहे हो? रुको दिनेश, कहाँ जा रहे हो? रुक जाओ दिनेश। दिनेश दिनेश, डरो मत, आराम से बैठ जाओ, रिलैक्स करो, जस्ट टेक इट इजी, ओके, जस्ट रिलैक्स, रिलैक्स। तो बताओ दिनेश, उसके बाद क्या हुआ? गुड मॉर्निंग। सुस्त कहीं के? कल रात पता नहीं तुम्हें क्या हो गया था, हम कितना डर गए थे। ये कपड़े
ये कपड़े कब बदले? मैंने बदले कपड़े? फिक्र मत करो, लाइट्स ऑफ करके मैंने तुम्हारे कपड़े बदले थे, कुछ भी नहीं देखा। उठ गए बेटा, तुम बैठो, मैं तुम्हारे लिए कॉफी बनाती हूँ। अरे दिनेश, रेडी है ना? हाँ, समझ नहीं आ रहा वो आवाज मुझसे क्या कहना चाह रही है। अगर वो फिर से सुनाई दी तो? इसलिए तो डॉक्टर के पास जा रहे, उन्हीं से पूछ लेना। तुमने कभी ऐसी आवाज सुनी है क्या? सुनिए ना, ऑफिस में जाता हूँ तो बॉस की आवाज, घर पे जाता हूँ तो बीवी की आवाज, यही दो आवाजें सुनी है मैंने। कभी कभार इन दोनों की आवाजें एक जैसी लगती है। अब तो ऐसा लगता है मैं अपनी आवाज ही भूल गया हूँ। बहुत ज्यादा काम की वजह से स्ट्रेस है, और कोई बात नहीं है, देख लेना। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग, कहिए कैसे आना हुआ यहाँ पर, क्या परेशानी है आपको? डॉक्टर, मुझे एक आवाज सुनाई देती है। आवाज सुनाई देती है? किसकी आवाज है वो? पता नहीं डॉक्टर। क्या कहा उसने? मुझे मारने को कहा। क्या मार देने का शब्द सुना तुमने? नहीं डॉक्टर, छत पर से कूद जा, मेरे साथ कहीं दूर चल, ऐसा कहा उसने मुझे। पता नहीं ये हेलुसिनेशन है या कोई टेम्परेरी इल्यूजन है या फिर स्किज़ोफ्रेनिया का लक्षण तो नहीं, ये क्या हो सकता है डॉक्टर? इस शब्द का मतलब क्या है? तुम्हें ये सब कैसे पता? मैंने ये कहीं पढ़ा था। देखो, पहले तो तुम ये सब पढ़ना बंद कर दो। लेकिन पहले तू ये घूरना बंद कर दे। अच्छा बताओ, ये सब होना कब से शुरू हुआ? कल से डॉक्टर। आज सुनाई दी क्या? नहीं। तुम जरा बाहर वेट करो। ठीक है डॉक्टर। तुम बैठो यार। कौन है ये? तुम्हारा दोस्त है? हाँ डॉक्टर। इसका इलाज नहीं हो सकता, इसको एड्स है। चले क्या? क्या बोला डॉक्टर? ये कोई झोला छाप डॉक्टर है, टाइम वेस्ट कर दिया, ऊपर से 500 रुपए भी ले लिए। लगता है मेरे इलाज में बहुत खर्चा होगा। हाँ होगा। क्या हुआ बे, कौन है? कोई नहीं। तुम्हें क्या हुआ है? तुम मुझे सुन तो नहीं रहे हो? देखो अपनी होराती गाड़ी को देखो, अपने दोस्त से कहो उसे टक्कर मारे, इससे तुम जल्दी से मर जाओगे, सोचो मत कहो। तुम मेरी बात तो नहीं सुन रहे? अपनी होराती गाड़ी को देखो और इसे कहो कि उससे टकरा जाए। कहो कहो, इससे मुझसे मिलना है कि नहीं? देखो टकरा रहा है, इससे कहो कि उससे टकरा जाए, ट्रक से टकरा जाए। कहो इससे, मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे? कहो इससे। गाड़ी रोको। क्या हो, क्या गया? गाड़ी रोको, घुमाओ। आजा, शाबाश, क्या बात है, आजा। दिनेश, डरो मत, क्या हुआ था? रवि, मैंने रवि को मार दिया। तुमने कुछ नहीं किया, तुमने उसे नहीं मारा। रिलैक्स, यू मस्ट रिलैक्स, ओके? रवि, ये कौन है, आपका बेटा? जी सर। रवि, ये मेरा बेटा है। बताइए ये घर से कब निकला था? करीब 4 बजे। साथ दिनेश का दोस्त। दिनेश, आपको होश आ गया? रवि बिल्कुल ठीक है, डॉक्टर आप इन्हें देखिए। दिनेश, क्या बे, क्या हुआ? ए, बोलना क्या हुआ, बोलना क्या हो गया? रवि, मेरे दिमाग में कुछ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थी। तो टेंशन मत ले, इतना सीरियस क्यों है?
मैं हूं ना तेरे साथ। समझ नहीं आ रहा यार, इस तरह की आवाजें मैंने पहले कभी नहीं सुनी। नाम का है यह कौन रवि? किसी का नाम रवि है यहाँ? हाँ, सर पे चोट लगी है, लगता है पागल हो गया, काम भी नहीं करने देते। ये देख, इसी का नाम रवि था, देख ले। ये कैसे हुआ? एक्सीडेंट हुआ था, जगह पे मर गया। गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, मैंने कहा गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, गाड़ी रोको, रोको गाड़ी, यूटर्न लो, यूटर्न लो, यूटर्न लो, यूटर्न लो, घुमाओ, 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 घुमाओ। पंडित जी ने बताया कि जो अपशकुन तुम्हारे साथ होने वाला था वो रवि के साथ हो गया। इनके दिमाग में एक छोटा सा ट्यूमर दिखाई दे रहा है, इसलिए इन्हें आवाज सुनाई देती है। हे भगवान, घबराने की कोई बात नहीं है, ऑपरेशन करके निकाल देंगे। दिनेश, कोई कितना भी कहे लेकिन तुम अपनी ब्रेन सर्जरी बिल्कुल मत करवाना, क्योंकि ऐसी सर्जरी अक्सर कामयाब नहीं होती। हम किसी और डॉक्टर से मिलेंगे। मेरी तुम्हारी जिंदगी में आने के बाद से ही ये सारे अपशकुन शुरू हो गए। डॉक्टर ने एक महीने तक दवाई खाने के लिए कहा है। इन्हें बाहर फेंक दीजिए। अब आप ये मत कहिए कि हमें इसे साइकियाट्रिस्ट के पास ले जाना होगा। मैं इसे डिस्चार्ज करवा के इसकी रिपोर्ट लेकर आता हूँ। मैं अभी आती हूँ। आओ, चलो। कितने दिन बीत गए हैं? आज एक हफ्ता हो गया। दिनेश, तुम ठीक तो हो? रवि की फैमिली के पास चलो। इस वक्त उनसे मिलना ठीक नहीं होगा। मेरी वजह से वो मरा। पागल मत बनो, खुद को दोष देना बंद करो। वो एक हादसा था और कुछ नहीं, तुम्हारी गलती नहीं है। लगता है किसी ने मेरे बेटे पर जादू कर दिया है। मैं इसे भगवती माँ के मंदिर ले जाऊंगी, वही इसकी मुश्किलों को दूर करेंगी। रवि की मौत के जिम्मेदार तुम बिल्कुल नहीं हो, समझे? जी माँ। इसका ख्याल रखिएगा। सुनिए, आप यहाँ क्यों आए हैं? देखने आए हैं कि मैं जिंदा हूँ या मर गई, और इसे यहाँ क्यों लेके आए हैं? इसी ने मेरे पति को मारा है। I'm sorry। बताओ तुम यहाँ क्यों आए हो? अच्छा होता कि तुम मर जाते। देखिए, आप जानती हैं वो एक एक्सीडेंट ही था। नहीं, मुझे सब पता है। यही वो इंसान है जिसने मेरे पति को मारा है। अरे, अगर तुम मरना ही चाहते थे तो जहर खाकर मर जाते या खुद को फांसी लगा लेते। आखिर तुमने मेरे पति को क्यों मारा? क्या यही उसका कसूर था कि वो तुम्हारा अच्छा दोस्त था? जरा इसकी ओर देखो, इतनी सी उम्र में तुमने इसे अनाथ बना दिया। जो कुछ भी हुआ उसके बावजूद भी तुम बेशर्मों की तरह हमारे यहाँ हमसे मिलने चले आए। छी, तू! चुप हो जाओ बहन, रो मत, चलो अंदर चलो। सब मेरी वजह से हुआ है। क्या हालत हो गई उन लोगों की? देखो दिनेश, रवि के परिवार को फाइनेंशियल सपोर्ट हमारी कंपनी करेगी, मैं बात कर लूंगा। मुझे अचानक आवाजें सुनाई देने लगी है। बेचारा रवि, वो तो मेरी मदद करना चाहता था पर मैंने उसे ही मार दिया। ऐसी बातें बोलना बंद करो। सॉरी, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ लेकिन पागल मत बनो। तुम्हें आवाज सुनाई नहीं देती तो क्या वो एक्सीडेंट नहीं होता? बताओ मुझे, मतलब इसकी वजह तुम नहीं हो, वजह कुछ और ही है। पहले ये जानना जरूरी है कि वो क्या है, लेकिन पहले तुम ठीक हो जाओ। सोच मत, मार दे उसे जल्दी, वरना वो तुझे मार देगा, वो तेरे पीछे है।
फिर सुनाई दी। वो आवाज मुझे फिर से सुनाई दी। क्या हुआ, मैं कार कहीं पार्क करूं? जैसा तुम कहो। हाँ ठीक, एक्सीडेंट वाली जगह पर तुम्हें फिर से आवाज सुनाई दी है दिनेश। एक बात कहूं, अब मुझे तुम्हारे साथ ड्राइव करना रिस्की लग रहा है दिनेश। तुम कहो तो हम पैदल चले या फिर ऑटो ले लेते हैं, वो ठीक रहेगा। ए दिनेश, 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 ए रुको। दिनेश, what's wrong with you? बस में बैठकर कहाँ जाना चाहते थे तुम? मेरी कोई बात बुरी लग गई क्या? तो जय लक्ष्मी टीचर। अब ये जय लक्ष्मी कौन है? क्या हुआ? जयलक्ष्मी के पास जाना है? चल मेरे पीछे आ। जयलक्ष्मी अंदर ही है, चल जा अंदर। Thank you.
कुछ मत मार दे इसे, जल्दी कर वरना वो तुझे मार देगी, वो तेरे पीछे है। अरे मैंने कुछ नहीं किया। अरे जयलक्ष्मी को मारने के लिए आया था। तुमने कहा था जयलक्ष्मी है। अरे मैंने तो तुझे उससे मिलने के लिए कहा था, मारने के लिए नहीं। तू तो उसकी जान लेना चाहता है। क्या दिक्कत है तुम्हारी? अरे क्या हो रहा है दिनेश, तुम लोगों ने इसे क्यों घेर रखा है? आप कौन है? मैं इसकी माँ हूँ। अरे तो इस पागल को संभाल कर रखिए ना। देखिए इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अरे आपको समझना चाहिए, ऐसे पागल को खुले नहीं छोड़ना। कभी ऐसा नहीं करता। बेचारे को मारा, इसको पैसे दो। इसकी तबीयत ठीक नहीं है इसलिए हम इसे मंदिर लेकर आए। दे दो पैसे, अब इसे छोड़ दो। पैसे दो इसे और यहाँ से निकलो। चलो यहाँ से। घूरना बंद कर, क्यों मुसीबत मोल लेता है? जहाँ जाता है तकलीफ में डालता है सबको। ए, जब मैं चिल्ला रही थी तुम में से कोई नहीं आया। मुझे पता था तू ये सब हैंडल कर लेगी। ये बता कितना मिला? पूरे 5,000। क्या हुआ? यहाँ देखो, यहाँ देखो, क्या हुआ? मुझे बहुत डर लग रहा है, अब और बर्दाश्त नहीं होता। लग रहा है जैसे कुछ दिनों में मर जाऊंगा। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? वादा करो तो मुझे छोड़ के नहीं जाओगी। ऐसी बातें मत करो दिनेश, तुम्हें कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। रुको मैं दवाई लेकर आती हूँ। और तुमने उस साय को उस वक्त आखिरी बार देखा था? हाँ डॉक्टर। ठीक है दिनेश, अब तुम्हारी उम्र 27 साल है और मैं तुम्हें धीरे धीरे अतीत में ले जाऊंगा। तुम इस समय 27 साल के हो और अब 26 साल के, 25 साल, 24 साल, 23 साल, 20, 10, अब तुम 10 साल के हो। आज तुम्हारा 10वां जन्मदिन है, कुछ याद आ रहा है तुम्हें? हाँ डॉक्टर, वहां माँ है, मुझे मंदिर ले जा रही है। मेरे पड़ोसी की एक बेटी थी, वो मेरे आगे आगे चल रही है। उसका नाम क्या है, जयलक्ष्मी या कुछ और? नहीं डॉक्टर, उसका नाम है नित्या। दैट्स गुड। अब हम लोग 10 साल की उम्र से 10 साल पीछे चलते हैं। इस वक्त तुम कहां हो? अपनी मां के अंदर। वहां क्या हो रहा है? मां रो रही है। पिता नहीं चाहते कि मैं जन्म लूं, वो चाहते हैं कि मां मुझे गिरा दे, पर मां ने मना कर दिया। ओके, अब हम 10 साल और पीछे जाते हैं। अब तुम कहां हो? मैं नहीं जानता, अभी मेरा जन्म नहीं हुआ है। जरा सोचने की कोशिश करो, 10 साल और पीछे जाओ, अब तुम खुद को कहां देख रहे हो? कोशिश करो थोड़ी और। मैं इस वक्त तंजावुर में हूं।
ये तंजूर कहाँ है? कावेरी, कावेरी के किनारे पर। और तुम्हारा नाम क्या है? शर्मा। तो बताओ शर्मा, वहां क्या हो रहा है? मैं दर्द से मर रहा हूं, मेरी आत्मा धीरे धीरे मेरा शरीर छोड़ रही है, कुछ ही देर में मैं मर जाऊंगा। मैं मर रहा हूं, मेरा शरीर दर्द में है, मैं मर रहा हूं, मैं मर रहा हूं। सर, डॉक्टर रस्तोगी आपसे मिलना चाहते हैं, कोई इमरजेंसी केस है। बाद में मिलूंगा। ओके दिनेश, दैट्स फाइन, आज के लिए इतना काफी है। तुम अब अपने अतीत के हादसों के गवाह हो, तुमने वो सब अपने दिमाग में होते हुए देखा है। मेरी एक बात याद रखना, जब भी मैं तुम्हारे हाथ को छूऊंगा और रिलैक्स कहूंगा, तुम मेरे कंट्रोल में रहोगे। मैं अब तीन तक गिनती गिनने वाला हूं, फिर तुम धीरे धीरे अपनी आंख खोलोगे। ओके दिनेश, एक, दो, तीन, और अब उठ जाओ। आओ दिनेश, लेट्स गो। दिनेश की कंडीशन काफी सीरियस है, इसे खास अटेंशन की जरूरत है। मैं कल सुबह फिर तुमसे मिलना चाहूंगा, आज रात तुम ये दवाइयां ले लेना। और दिनेश, तुम आज के बाद अकेले कहीं मत जाना। मैं इस वक्त एक अर्जेंट काम से जा रहा हूं, मैं कल फिर मिलता हूं। ऑलराइट दिनेश, घर से तुम्हारा फोन आया था, मैंने बात नहीं की, तुम बात कर लो। जी, क्या दिनेश ने आपको कुछ बताया था? नहीं तो सर, उसने कुछ नहीं बताया। देखिए, इलाज के बारे में आप उससे कोई भी बात मत करना। ठीक है सर। मैं बाद में आपको फोन करके सब समझा दूंगा। ठीक है सर, रखता हूँ। जरा सुनिए। जी कहिए। ये टैबलेट्स किस चीज के लिए हैं? मेंटल डिसऑर्डर, डिप्रेशन, इस सब के इलाज के लिए दी जाती है। ओह, अंदर आइए ना। दरवाजे को लॉक करके रखना चाहिए ना, भले ही दिन हो। हाँ, दरवाजा तो लॉक ही था। अच्छा, जरा एक गिलास पानी लो। अभी लाई। दिनेश कहाँ है? वो नहा रहे, मैं उन्हें बोलकर आती हूँ। नमस्ते सर। नमस्ते बहन जी। डॉक्टर ने क्या कहा? दवा दी है और बीच बीच में चेकअप के लिए ले जाना है। अच्छा। डॉक्टर ने कहा है दिनेश अकेले बाहर कहीं ना जाए। आई थिंक ही नीड्स लॉट ऑफ रेस्ट। इनफैक्ट उसे अभी ऑफिस आने की भी जरूरत नहीं। माँ, दिनेश तो नहा रहे थे, अभी वो वहाँ नहीं है, कहाँ चला गया? Excuse me, टिकट दिखाइए। ये ट्रेन कहाँ जा रही है? क्या? तंजावुर जा रही है। तंजावुर? हाँ? ये कौन सा स्टेशन है? तंजावुर स्टेशन है। रिक्शा मांगता है ना आपको? मेरे साथ चलिए, अपना रिक्शा है, आपका सामान नहीं है? नहीं है। आइए साहब।
एक बात बताओ। बोलिए। शर्मा, जयलक्ष्मी, गोपाल और नटराज, क्या तुम इन्हें जानते हो? क्या साहब, आप पढ़े लिखे हो फिर भी आप सिर्फ सरनेम बोल के पूछते हो, उनका कोई एड्रेस भी तो होगा ना साहब? अच्छा, कावेरी नदी के किनारे कोई रहता है? कावेरी नदी? हाँ। उसके आसपास टोटल 4 गांव हैं साहब, हम पता लगा लेंगे। देखिए साहब, ये रही कावेरी नदी। सुनो जी, क्या यहाँ आसपास कोई पुराना स्कूल है? स्कूल? पता लगा देना साहब। सर ये बताइए, आप किसी जयलक्ष्मी, शर्मा, गोपाल या नटराज को जानते हैं? अरे गूगल पे ढूंढना भाई। मैं नहीं जानती। सर मैं बोल रहा था, ये स्कूल में जाने की बजाय हम पोस्ट ऑफिस जाके पता लगाते ना। हाँ तो चलो ना। हाँ चलिए। आइए सर, चलिए पता करते। नमस्ते सर। सर ये चेन्नई से आए, इन्हें किसी का पता नहीं मिल रहा है। उसका नाम है जयलक्ष्मी, वो कावेरी नदी के आसपास रहती है। ये जा रहे बाबा, मैं अपना काम करूं कि तेरे को एड्रेस बताऊं? ये पता नहीं इसको कौन ऑफिसर बनाए। चलो सर। साहब आप किसी जयलक्ष्मी, शर्मा, गोपाल ऐसे किसी को जानते? कौन हो तुम और उसकी तलाश क्यों कर रहे हो? मुझे उनसे मिलना है। वो सभी तो गुजर चुके हैं। सभी गुजर चुके हैं? कैसे? मुझे इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक रिटायर्ड ऑफिसर हैं, उनका नाम है आरोगेन, वो शायद बता सके। आप उन लोगों के बारे में कुछ बता सकते? देखो मुझे तो पता नहीं, आरोगेन ही बता पाएंगे। तुम उनके पास चले जाओ। ठीक है तो हम उन्हीं के पास चलते हैं साहब। आइए 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 साहब। पता नहीं वो शैतानी खूबसूरती और कितने लोगों की बलि लेगी। आइए साहब। आओ शर्मा, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। सर मेरा नाम दिनेश है सर, ये मुझे शर्मा क्यों बुला रहे? कमाल है, इन्होंने आज तक तो एक शब्द नहीं बोला था। आइए सर, पोस्टमास्टर ने आपका पता लिख के दिया। क्या चाहते हो? जयलक्ष्मी टीचर, शर्मा, नटराज और गोपाल, मुझे जानना है इनके साथ क्या हुआ था। ये सब तो मर चुके हैं, और तुम कौन हो? इन सब से क्यों मिलना चाहते हो? तुम्हारा इनसे क्या रिश्ता है? मैं बस इन सब के बारे में जानना चाहता हूँ। पोस्ट मास्टर को भी कोई काम नहीं है। तुम यहीं रुको, मैं आता हूँ। कहाँ गई? बैठो, तुम भी बैठो ना। ये केस बहुत ही पेचीदा है और बहुत उलझा हुआ भी है। मैं रिटायर हो गया पर इस केस को सुलझा नहीं पाया। शर्मा एक पुजारी था और पूजा पाठ करता था। शर्मा और उसके बच्चे गोपाल को जयलक्ष्मी ने बुरी तरह नदी किनारे मार डाला था। यह है शर्मा और जयलक्ष्मी की फोटो। क्या हुआ आपको? पानी चाहिए। ये लो साहब।
इन सबके साथ क्या हुआ था? गांव में सभी शर्मा की इज्जत करते थे। वो सरकारी स्कूल में टीचर की नौकरी करते थे। वो बहुत ही भले और अच्छे इंसान थे। वो स्कूल के हेडमास्टर भी थे और बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थे। वैसे तो वो अकेले रहते थे और बड़ा ही सादा जीवन जीते थे। उन्होंने अनाथ गोपाल को गोद लिया था और वो उसे बहुत ही प्यार करते थे, उसकी अच्छे से देखभाल करते थे। तभी जयलक्ष्मी और उसके पिता काम की तलाश में इस गांव में आए। उन्होंने शर्मा को अपनी तकलीफ के बारे में बताया और जयलक्ष्मी को काम दिलवाने की गुजारिश की। शर्मा ने जयलक्ष्मी को स्कूल में आकर मिलने को कहा। बेचारा शर्मा, अगर उसे पता होता कि जयलक्ष्मी को मिलने के बाद वो मरने वाला है तो वो उस पर इतना रहम ना दिखाता। बीएड करने के बाद तुमने कोई नौकरी क्यों नहीं ढूंढी? पिताजी को इस गांव के बारे में पता था, इसीलिए हम दोनों यहाँ चले आए। तुम्हें कोई तजुर्बा नहीं है और तुम मुझसे नौकरी की इच्छा रखती हो? शर्मा ने जयलक्ष्मी को नौकरी दे दी। जयलक्ष्मी गोपाल की अच्छे से देखभाल करती थी। ये देखकर शर्मा को झूठी उम्मीद मिली कि वो गोपाल की माँ बन सकती है, इसलिए उसने जयलक्ष्मी से शादी करने का फैसला कर लिया। उन दोनों में 20 साल का फर्क था, फिर भी शर्मा ने उससे शादी कर ली और उसे अपने घर ले आया। शादी के बाद उसने अपनी जिंदगी से भी ज्यादा जयलक्ष्मी से प्यार किया। उसे यही लगा कि जयलक्ष्मी गोपाल की अच्छे से देखभाल करेगी। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी अचानक से नटराज उनकी जिंदगी में आया। शर्मा को नटराज की असलियत का पता नहीं था। जब से वो स्कूल आया था उसकी नजर लक्ष्मी पर थी। नटराज और लक्ष्मी की नजदीकियां बढ़ती चली जा रही थी और ये बात शर्मा से छुपी नहीं थी। पूरे स्कूल में जयलक्ष्मी और नटराज की बातें होने लगी। धीरे धीरे स्कूल से निकलकर लक्ष्मी और नटराज के किस्से जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गए। सब शर्मा से सवाल करने लगे कि क्या उसका इस उम्र में इतनी छोटी लड़की से शादी करना क्या सही था। शर्मा को अपने फैसले पर अफसोस होने लगा। जब एक पति अपनी पत्नी पर शक करने लगे तो उनकी जिंदगी में सिर्फ दुख और आंसू ही मिलते हैं। ये एक ऐसा दुख है जो एक मर्द ही समझ सकता है। काफी दिनों के बाद वो गर्भवती हो गई। शर्मा को लगा कि ये उसका बच्चा है। जयलक्ष्मी ने एक बहुत ही प्यारे बच्चे को जन्म दिया। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया तो पूरे गांव में ये बात फैलने लगी कि ये बच्चा शर्मा का नहीं नटराज का है। लोगों ने कहा कि बच्चे के हाथ पे जो तिल है वो बिल्कुल नटराज के तिल जैसा ही है और वो ठीक उसी जगह पर है जहां नटराज को है। इतना सब होने के बावजूद शर्मा ने एक अच्छे पिता होने का फर्ज निभाया और उसने उस बच्चे को बहुत प्यार दिया, पर उसने नटराज को माफ नहीं किया। तभी कुछ ऐसा हुआ जो शर्मा ने सोचा नहीं था। कावेरी के किनारे उस नन्हे बच्चे को दफना दिया।
शर्मा से नाराज जयलक्ष्मी नटराज के साथ भाग गई। शर्मा और गोपाल फिर से अपनी पुरानी जिंदगी जीने लगे। बस दो ही हफ्ते बाद पूर्णिमा वाली रात को शर्मा और गोपाल की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई। उनकी लाशें कावेरी के किनारे पर मिली। गांव के लोगों का कहना है कि शर्मा की आत्मा अभी भी उस घर में भटकती है। उसका घर कहाँ है? यहाँ से सीधे जाकर मुड़ जाना, पूर्व की ओर दूसरा घर उसका है। साहब आप वहाँ जाके क्या करोगे? मुझे वहाँ जाना है। नहीं, आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए। दिन में जाने में कोई हर्ज नहीं है, इन्हें ले जाओ। थैंक यू सर। नमस्ते सर। सर देखिए वहाँ नहीं जाना चाहिए। माफ करने वाला मैं कौन होता? अब इस घर में तुम्हारा कुछ भी नहीं है। ऐसा मत कहिए, हमारे बच्चे की मौत ने जैसे मुझे पागल ही कर दिया था, इसलिए मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपका मुझ पर पूरा हक है, मुझे माफ कीजिए। रोना बंद करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। रोना बंद करो जयलक्ष्मी। इस पर यकीन मत करो, इसके आंसुओं पर मत जाओ, ये सब झूठ है, ये बहुत ही चालाक है, ये धोखेबाज है। जयलक्ष्मी को मार दे, जल्दी कर। नहीं नहीं, कभी नहीं, मैं नहीं मारूंगा, नहीं मारूंगा उसे। उसने तेरे खाने में जहर मिलाया था, क्या उस दिन जो कुछ हुआ भूल गया तू? बेटा गोपाल आजा बेटा, कुछ खा ले। आता हूँ पिताजी। मैं इसे खिलाती हूँ, आप तब तक ये खाइए। गोपाल बेटा यहाँ आ जाओ, खाना खा लो। ठीक है टीचर। यहाँ पूर्णिमा की रात को आना, तुम्हारे और इसके साथ बैठकर खाना खाना मेरे लिए बड़ी ही किस्मत की बात है। आप बस भी कीजिए, बच्चों जैसी बातें करते हैं आप। मुझे माफ कर देना जयलक्ष्मी, मैंने जानबूझकर हमारे बेटे को नहीं गिराया था। सब भूल जाइए, जो हो गया उसके बारे में बात क्यों करनी। मुझे खुशी है कि आप मुझे फिर से मिल गए। खाना खाइए ना। इतना खुश हो कि खुशी के मारे खाना नहीं खाया जा रहा है। मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। तेरी इतनी हिम्मत, ये मेरे बच्चे को मारने की सजा। जय लक्ष्मी। ऐसे ही मेरा बेटा तड़प तड़प के मरा होगा। तुझे जिंदा रहने का कोई हक नहीं। गोपाल बेटा भाग जा, बेटा भाग जा, बेटा भाग जा ऐसे। गोपाल भाग जा बेटा, भाग बेटा, बेटा भाग जा, भाग जा। मुझे भूख लगी है। मुझे बहुत डर लग रहा है ऐश्वर्या। वन सेकेंड। हेलो। हाँ बोलो शनमुगम। हेलो भाई साहब। कहो कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
मुझे आपसे एक छोटी सी मदद चाहिए, क्या अभी बात कर सकता हूँ? हाँ हाँ बोलो, किस बारे में? करीब 40 या 50 साल पहले कावेरी नदी के किनारे शर्मा और गोपाल नाम के दो लोग मारे गए थे, क्या आप पता लगाकर मुझे बता सकते हैं? तुम्हारा नाम जयलक्ष्मी है और तुम ही शर्मा की पत्नी हो। शर्मा ही इन सब का कारण है, उसने तुम्हारे बेटे को मारा है। तुमने खाने में जहर देकर शर्मा को मार डाला और अब शर्मा तुमसे बदला लेने के लिए तड़प रहा है। ये आप क्या? तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम्हें खतरा है। ये एक सिर्फ सपना नहीं है, शर्मा मुझे बस में करके तुम्हें मारना चाहता है। तुम यहाँ से चले जाओ। देखो तुम यहाँ से कहीं चले जाओ, तुम यहाँ सेफ नहीं हो। मेरी आंखों में देखो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम समझ क्यों नहीं रही हो, तुम यहाँ सेफ नहीं हो, तुम चली जाओ प्लीज। मैं तुम्हें प्यार करती हूँ, तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती। रुको मैं खाना निकालती हूँ। मैंने आपको इतना खुश पहले कभी नहीं देखा। नहीं। ये लो खाओ, खाओ नहीं ना। नहीं, नहीं। खाओ ना, थोड़ा नहीं। सा खा लो, नहीं चाहिए, खा लो। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। मेरी बात ध्यान से सुनो। बोलिए भाई साहब। जैसा कि तुमने कहा, 40 साल पहले दो लोग कावेरी नदी के किनारे बेरहमी से मारे गए थे। उस वारदात में सरकारी स्कूल टीचर शर्मा और उसके गोद लिए हुए बेटे गोपाल को भी मार दिया गया था। मारने के बाद उसकी पत्नी जयलक्ष्मी और उसका आशिक नटराज दोनों ही फरार हो गए। ये मर्डर उन दोनों ने मिलकर किया था। सोच मत इसे इसी वक्त खत्म कर दे। इतने दिनों से, इतने जन्मों से मुझे तेरा ही इंतजार था। तूने मेरे बेटे को मार दिया, तूने मुझे मार दिया, नहीं छोड़ूंगा तुझे। बहन जी, आपका गांव कौन सा है? तंजवूर है क्या? नहीं तो। या फिर कोई रिश्तेदार रहता है? बिल्कुल नहीं। I see. क्या दिनेश कभी तंजवूर गया है? क्या आप वहां किसी को जानती हैं? वो तो बचपन से इसी शहर में पला बड़ा है, मेरे ख्याल से वो वहां कभी गया ही नहीं। बात को याद रखना, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, उसकी पत्नी नहीं। उसका दिमाग कंप्यूटर से भी तेज चलता है। छोड़ दो। तुम्हें वहाँ ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए भेजा था। अगर तुमने काम ठीक से नहीं किया तो उसके साथ तुम्हें भी मार दूंगा। रोना बंद और काम पूरा करो। क्या आपके पास स्लीपिंग पिल्स है? डॉक्टर की पर्ची है? नहीं, मेरे हस्बैंड इसी हॉस्पिटल में। नहीं नहीं, बिना पर्ची के हम दवा नहीं देंगे। जाओ पर्ची लेकर आओ। पेस्टिसाइड चाहिए? ये लीजिए। ऐश्वर्या, माँ मुझे माफ कर दीजिए, दिनेश की इस हालत की जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ। अगर मैं उनके साथ और रही तो ये उनके लिए ठीक नहीं होगा, इसलिए मुझे जाना होगा। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। कविता, ऐश्वर्या को देखा क्या? नहीं देखा आंटी। जाने दो मुझे, मैं तुम्हारा हाथ छोड़ती हूँ, तुम जो कहोगे मैं करूंगी। Oh.
दिनेश शर्मा, मेरा नाम शर्मा है। ओके शर्मा, दिनेश ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया, तुमने दिनेश पर कब्जा किया हुआ है, यह तुम्हारा अगला जन्म है। इस वक्त दिनेश बीमार है, अगर इजाजत दो तो मैं ये इंजेक्शन दिनेश को लगाना चाहता हूं। अब दिनेश अपने पिछले जन्म वाली जिंदगी जी रहा है, वो ये मान रहा है कि वो शर्मा है। क्या कह रहे हैं, मुझे तो इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है डॉक्टर। आप यकीन करें ना करें, इस वक्त दिनेश की यही हालत है। सोचा नहीं था मेरे बेटे को ऐसे हालात का सामना करना पड़ेगा, वो बहुत भोला है। दिनेश, चलो पहले डॉक्टर से मिल लेते हैं, कपड़े बदल लो। फ्यूचर रेफरेंसेस के लिए ये रिकॉर्ड्स रख लीजिए, फार्मेसी से दवाई लेना मत भूलिएगा, ठीक है ना? अन्ना नगर चलो। अन्ना नगर? मैंने तुमसे पहले भी कहा था ऐश्वर्या वहां नहीं है, उसने 2 महीने पहले ही घर खाली कर दिया। कुछ पता लगाना है वहीं ले चलो। वो तो गई, उसे जाकर भी कुछ 2 महीने हो गए। आपको कुछ पता है कहां गई होगी? आप उसके हस्बैंड हैं, आप नहीं जानते तो मुझे कैसे पता होगा। देख पागल आ गया, चल चल पागल से दूर रह, चल। हे हाउ आर यू? हेलो मम्मी, ये पागल है ना? चल दिनेश अब चल, चल बेटा। नमस्ते सर, मेरी बीवी मिल तो जाएगी ना सर? क्या आपने इसे कहीं देखा है? नहीं मैंने नहीं देखा। नहीं 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 मुझे नहीं मालूम, आप आगे जाकर। आपने देखा? बड़े नॉटी हो गए, तुझसे प्यार कर। ये क्या, ये मेरे बेड के नीचे क्या कर रहा है? पता लगाना होगा। अच्छा ये बताओ दिनेश, तुम दोनों की शादी को कई महीने हो चुके हैं और फिर भी तुम कह रहे हो कि तुम उसके परिवार में किसी को नहीं जानते। क्या आपको नहीं पता सर, ऐश्वर्या एक अनाथ लड़की थी। तो क्या तुम उसे मैट्रिमोनी साइट पे मिले थे या डायरेक्ट कांटेक्ट किया था? ऐश्वर्या ने मुझे कांटेक्ट किया था। तो रजिस्ट्रार ऑफिस में जो लोग आए थे वो उसके दोस्त थे ना?
ठीक है, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इतना कंफ्यूज मत हो, मैं बाद में बात करूंगा। माँ। हाँ बोलो बेटा दिनेश। कुछ खास नहीं माँ, अगर आप मेरा कमरा साफ करेंगी हाँ। तो आपको टेबल पर एक मेडिसिन मिलेगी। ठीक है, उसे खोलेगा मत, मुझे किसी और को देना है। ठीक है ठीक है, अब मैं फोन रखूं। ओके माँ। आई एम सो सॉरी, मैं उठा देता हूं। ये फोटोज तुम्हारे पास कैसे आई? रुको, मेरी बात सुनो, रुको। दिनेश बोलिए। मैंने अभी एक आदमी को देखा जिसके पास तुम्हारी और ऐश्वर्या की फोटोज थी। कहाँ है वो आदमी? मैंने रोकने की कोशिश की पर वो भाग गया। सुनिए भाई साहब, हमें पार्किंग लॉट का सीसीटीवी फुटेज देखना है। वो रहा, जूम कीजिए उसमें। थैंक्स दिनेश, चलो पुलिस स्टेशन चलते हैं। पुलिस को बीच में नहीं लाना है। तुम उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते हो? जाने नहीं दे रहा सर, कहीं नहीं जाने दूंगा। जब से मेरी शादी ऐश्वर्या से हुई है तब से लेकर मुझे हॉस्पिटल में एडमिट करने तक कोई मुझे फॉलो करके मेरी फोटो ले रहा है। ओह माय गॉड, ये तो कोई बहुत बड़ा ही रैकेट लग रहा है। लगता है ये लोग इंसानों पर ड्रग्स टेस्ट कर रहे हैं। देखो कितने लोग मारे गए हैं। आखिर ये लोग हैं कौन? इनका और ऐश्वर्या का क्या संबंध हो सकता है? बोलो, इन सब लोगों का मकसद क्या है? क्या तुम्हें कुछ पता है दिनेश? कौन हैं ये लोग और ऐसा करके इन्हें क्या मिलने वाला है? मुझे नहीं पता सर। छोड़ो मुझे, छोड़ो, नहीं जाना मुझे, छोड़ो।
प्लीज मुझे इंजेक्शन मत दो प्लीज नहीं नहीं प्लीज मत करो इस दवाई का असर भी नहीं हुआ मुझे नहीं लगता है बचेगी इससे पहले कि ये मर जाए जल्दी से इसकी किडनी हार्ट लीवर और बाकी ऑर्गन इसके शरीर से निकालो यस सर सर माइकल आया हुआ है उसे कहो वेट करे ओके सर मार्शल को फोन करो उसने जो मेडिसिन भेजी थी वो C37 किसी काम की नहीं मैंने अपना काम कर दिया सारे बॉडी पार्ट्स रेडी हैं उसे कहो पैसे तुरंत चाहिए ओके सर हाय माइकल हाय क्रिस्टोफर सिट डाउन प्लीज थैंक यू ये ड्रग तो वाकई कमाल की है इसकी रिसर्च एक दो दिन में पूरी हो जाएगी ओके डू यू वॉन्ट टू सी अ डेमो या आई डोंट माइंड है लेके आओ कोई हमारे घर में घुस के लैपटॉप और प्रोजेक्ट की फोटो चुरा ले गया क्या बक रहे हो सच कह रहा हूँ सर कौन क्या हुआ मेरे फार्म हाउस में घुसकर किसी ने लैपटॉप और प्रोजेक्ट के सारे फोटोज चुरा लिए तूने उसे वहां छोड़ा था हुँ? किसने किया ये पता नहीं शेरों का शेर बब्बर शेर हूं मैं जंगल का राजा हूं मैं कौन है जो मुझसे टकराएगा जो मेरा शिकार करने आएगा वही शिकार बन जाएगा तुम सब गीदड़ हो कोई मेरा मुकाबला नहीं कर सकता क्या हुआ क्या देख रहे हो क्या हुआ लैपटॉप अगर नहीं मिला तो अगली बारी तेरी ये सॉल्यूशन बहुत ही डेंजरस है सर अच्छा ऐसा है सर ये सॉल्यूशन बहुत ही जानलेवा है ठीक है मुझे दे दो ओके सर थैंक यू गुड जॉब दिनेश हाँ दिनेश यही वो ड्रग है जिसे तुम्हारे खून में मिलाया गया था टेस्ट से पता चला है कि ये ड्रग सीधे दिमाग पर असर करती है और शरीर की ताकत कई गुना बढ़ जाती है इसका मतलब वो पुनर्जन्म की कहानी इसका खुद को शर्मा कहना और इस पर शर्मा का हावी होना वो सब क्या था डॉक्टर जांच के बाद मुझे पता चला है कि वो सब सच था दिनेश अपने पिछले जन्म में शर्मा ही था और इसकी हत्या भी हुई थी मतलब पिछले जन्म में जयलक्ष्मी ने शर्मा की हत्या की थी वही इस जन्म में ऐश्वर्या है मैं यकीन के साथ तो नहीं कह सकता हो सकता है जब दिनेश शर्मा में तब्दील हो जाता है तो इसकी बीवी ऐश्वर्या इसे जयलक्ष्मी नजर आती है ऐसा भी हो सकता है कि जयलक्ष्मी इस जन्म में ऐश्वर्या के रूप में आई है जो गलती करे उसके साथ क्या करना चाहिए
उसके साथ क्या करना चाहिए? बोलो, उसे सजा मिलनी चाहिए ना? तुझे वहां उस पर ड्रग टेस्ट करने के लिए भेजा था, तो तू जाकर उसके साथ इश्क लड़ाने लगी। उसकी हिम्मत तो देख मेरे ही घर में घुस आया। अगर उसी दिन उसे ठोक दिया होता तो क्या वो ये करता? वो तो मरेगा। मेरे ही हाथों उसकी मौत लिखी है। आज ही उसका काम खत्म करता हूं। उसे कुछ नहीं पता, वो बेगुनाह है। वो मुझे ढूंढते हुए आ गया होगा। तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, उसे कुछ मत करना। प्यार हो गया है तुझे? ओह माय स्वीटी, ओह आई एम सॉरी। जहां बोलू वहां लैपटॉप लेकर आने को कहो, और हां उसे अकेले आने को कहो। मैं उसे कुछ नहीं करूंगा, मेरा विश्वास करो, मैं कुछ नहीं करूंगा। गो अहेड, टेक इट। फोन स्पीकर में डालो, स्पीकर में डालो। हेलो दिनेश। ऐश्वर्या। दिनेश तुम उस घर में क्यों गए? लैपटॉप कहाँ है? पहले तुम ये बताओ कि तुम कहाँ हो। मैं ठीक हूँ, मेरी तलाश मत करना। सुन रे श्याणे, तू अपने आप को बहुत इंटेलिजेंट समझता है ना? अगर मर्द का बच्चा है तो जहां मैं बोलता हूँ चुपचाप वहां लैपटॉप लेकर आ जाना, देखना वो जरूर आएगा। आजा। अंदर जा। सर इसका गेम बजा दूं क्या? ऐश्वर्या कहाँ है? लैपटॉप कहाँ है? पहले ऐश्वर्या। ए, तू यहां क्या सौदा करने आया है? जानता है ना तू किसके इलाके में? मुझे ऐश्वर्या चाहिए। चुपचाप लैपटॉप देकर निकल जा, उसी में तेरी भलाई है। ये ओपन नहीं हो रहा है। क्या बोला?
यूजर नेम दिनेश, पासवर्ड ऐश्वर्या। तूने सब देख लिया? देख लिया और सबकी कॉपी भी बना ली। अब ऐश्वर्या को मेरे हवाले करो, तुम जो चाहते हो मैं देने को तैयार हूं। कितना देगा तू? 25 करोड़? 50 करोड़? ए, तुझसे शादी करने के पहले जानता है कौन थी वो? मेरे साथ रंगरलियां मनाने वाली लड़की थी। अब वो मेरी वाइफ है। अच्छा, तेरी पत्नी? दिनेश की पत्नी ऐश्वर्या दिनेश? आप उनको तू अच्छा आदमी लगा। ड्रग्स को टेस्ट करने के लिए उसने तेरा चूहे की तरह इस्तेमाल किया, तुझे आधा पागल बनाया, मगर तेरे को उस पर इतना प्यार, तेरे को उस पर थोड़ा भी गुस्सा नहीं है? नहीं है? जा, वो ऊपर है, जाकर मिल ले उसे। जा जा। तुम लोगों ने इसे खत्म क्यों नहीं किया? ऐश्वर्या की वजह से सर, उसने हमें धोखा दिया, इसलिए हम टेस्ट पूरा नहीं कर पाए। किस कैटेगरी में आता है? A1 में, 5th स्टडी। उसका रिएक्शन क्या हुआ? इसको अपना पिछला जन्म याद आ गया। ओह, इंटरेस्टिंग। अब तक इसे कितनी डोज दी गई? 4 grams। 4 grams ऑफ ड्रग्स? इतना डोज देने के बाद भी जिंदा है? उससे 10 गुना डोज बढ़ाओ, एक ही बार में सारा इंजेक्ट करो, देखते हैं रिएक्शन क्या होता है। यस सर। देखते हैं अकलमंद लोगों पर क्या असर होता है। हम लोगों को अपनी जाल में फंसाते और तुम खुदिया के हमारी जाल में फंस गए। इसमें हमारी गलती नहीं है।
तुमने हमारा राज जान लिया और तुम हमसे डील कर बैठे, बस यही बात हमें नागवार गुजरी। अब इसका खामियाजा भुगतो। जो भी हमारे हाथों मरता है अनोखे नतीजे देता है। देखते हैं तुम्हारा नतीजा क्या निकलता है। यही वो ड्रग है जो मेरे मरीज दिनेश को दिया गया था। ये किसने किया सर? उसका मकसद क्या था? कुछ फार्मा कंपनीज अपनी दवाइयों का टेस्ट जानवरों पर करती हैं, जैसे कि चूहे, खरगोश और बंदर वगैरह। पर उसमें से कुछ गैर कानूनी ऑर्गेनाइजेशंस को रिश्वत देते हैं और इंसानों पर दवाइयों का टेस्ट करते हैं। जहां तक मुझे पता है ये ड्रग जरूर किसी विदेशी कंपनी का प्रोडक्ट होगी। शायद उन्होंने इसे इंडिया में कुछ डॉक्टर्स को टेस्ट करने के लिए दिया होगा और उस डॉक्टर ने दिनेश पर इसका टेस्ट किया। इस ड्रग के असर की वजह से दिनेश का दिमाग हाइपर एक्टिव हो गया और उसे अपने पिछले जन्म की सारी बातें याद आने लगी। तो क्या इस दवा को खाने से पिछला जन्म याद आएगा? Don't be silly. It's very dangerous. इससे ब्रेन डेथ भी हो सकती है। अब ये लेने वाले पर है। आश्चर्य की बात तो ये है कि इस टेस्ट को करने के लिए ऐश्वर्या ने शादी का झूठा नाटक किया। डॉक्टर, अगर दिनेश को हाई डोज दिया तो उसका रिजल्ट क्या हो सकता है? मैं नहीं जानता। उसकी जिंदगी को खतरा हो सकता है या वो फिर से शर्मा बनकर रहेगा। कौन है? देखो। देखता हूं। जय लक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं पता।
बताओ जयलक्ष्मी कहाँ है? मैं नहीं जानता। जयलक्ष्मी कहाँ है? ए, उसके गन में बुलेट नहीं है। जयलक्ष्मी कहाँ है? जयलक्ष्मी कहाँ है? जयलक्ष्मी कहाँ है? मुझे नहीं। जयलक्ष्मी कहाँ है? नहीं मालूम। ताट हो जा। बता जयलक्ष्मी कहाँ है? कौन सी जयलक्ष्मी? जयलक्ष्मी को नहीं जानता। What the hell is wrong with you? अंग्रेजी 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 बोलता है? सॉरी 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 सॉरी। क्या सॉरी? हिंदुस्तानी है ना, हिंदी में बात करना नहीं आता? हिंदी में बात कर। हिंदी में कहता हूँ भैया, माफ कर दो। न जाने क्यों तू मुझे नटराज की याद दिलाता है। नटराज? हाँ। अब ये कौन है? तू नटराज को नहीं जानता? नहीं जानता? नहीं जानता? नहीं जानता? तू जयलक्ष्मी के साथ नहीं भागा था? भागा था ना? भागा था ना? जयलक्ष्मी के साथ मैं भागा? तू तो भागा था? नहीं, मैं नहीं। अच्छा चल, एक कविता सुना के दिखा, तब मानूंगा तू नटराज नहीं। कविता कैसे सुनाऊं? पल्ले नहीं पड़ रहा। नहीं पता ना? नहीं पता ना? नहीं पता ना? गैर की पत्नी पर नजर मत डाल, ये बस आंखों का धोखा है। जिंदगी जीले खुल के यार, किसने तुझे रोका है? इसका मतलब क्या बता? कुछ समझ में नहीं आ रहा। इसका मतलब है कि दूसरे की बीवी को गलत नजरों से नहीं देखना चाहिए। समझ आया? क्यों रे, तुम लोग इंग्लिश बोलकर दूसरों की पत्नी को भगा कर ले जाते हो और हम सिर्फ देखते रहे? जय लक्ष्मी। जय जय लक्ष्मी को मारना है मुझे। जय लक्ष्मी को मारना है। उसे मारना है? अरे पहले बताना चाहिए था ना, मैं ही उसे मार देता। तो उसे मारेगा? उसे सिर्फ मैं मारूंगा, उसे सिर्फ मैं मारूंगा, मैं उसे तड़पा तड़पा कर मारूंगा। Thank you.
दिनेश, मुझे माफ कर दो दिनेश। मैं दिनेश नहीं हूं, मैं शर्मा हूं। मैंने दिनेश पर कब्जा कर लिया है जयलक्ष्मी। मैं जयलक्ष्मी नहीं हूं। इसका फैसला तुम नहीं करोगी, ये फैसला मैं करूंगा। दुनिया के इस निराले खेल में मैं तो बस एक मामूली मोहरा हूं। नाम है तेरा जयलक्ष्मी, यही तो मैं कह रहा हूं। दिनेश, दिनेश मर चुका है, वो मुझे समझता है और इसीलिए उसने मेरे लिए खुद को त्याग दिया। मैं शर्मा हूं, वही पुराना शर्मा, अंदर से बाहर, बाहर से अंदर, ऊपर से नीचे, हर तरफ से पूरा शर्मा। क्या अब भी तुम मुझे नहीं पहचानी? अब मैं तुझे खत्म करूंगा, तड़पा तड़पा कर, तड़पा तड़पा कर, तड़पा तड़पा कर मारूंगा। वैसे ही मारूंगा जैसे तूने मुझे मारा था। मार दो मुझे, नहीं तुम्हारी इस हालत की जिम्मेदार हूं। आप मुझे मार ही डालो, चाहे कि मैं तुम्हारे हाथों मरूंगी। क्या ये पाप नहीं कि अपने पति को छोड़कर किसी पराए मर्द के साथ भाग जाओ? बताओ जयलक्ष्मी, तुमने जो किया गलत था, वो भी उस नटराज के साथ भाग गई, वो 2% का इंग्लिश टीचर। तुम्हारी इतनी हिम्मत? दिनेश, तुम मुझे मेरी गलती की सजा दे दो, पर पहले मेरे पेट में पल रहे इस बच्चे को मार दो और फिर मुझे मारो। बच्चा, पिछले जन्म में मैं जयलक्ष्मी थी या नहीं मुझे नहीं पता, मगर इस जन्म में तुम्हारी पत्नी बनकर जीना चाहती हूँ। मुझे माफ कर दो जयलक्ष्मी, मैंने बच्चे को नहीं मारा था, वो एक हादसा था, मुझे माफ कर दो। पुलिस ने इल्लीगल ड्रग टेस्टिंग और इंसान के अंगों का व्यापार करने वाले रैकेट का पर्दाफाश किया है। पुलिस इस मामले में और छानबीन कर रही है। चेन्नई, मुंबई, बेंगलोर जैसे शहरों में छापे मारे जा रहे हैं। इस सिलसिले में काफी विदेशी कंपनियों का नाम सामने आया है। दिनेश, जिसे इस गैंग ने निशाना बनाया था, उसकी याददाश्त वापस आ चुकी है। उनकी पत्नी ऐश्वर्या की जान अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर साहब, क्या आप हमें बताएंगे कि आपके पास क्या सबूत है कि दिनेश ही पिछले जन्म में शर्मा था? क्योंकि जिस वजह से जयलक्ष्मी ने शर्मा और गोपाल को मारा, ये सारी बातें जो कि पुलिस रिकॉर्ड में दर्ज है, दिनेश को उसके बारे में पहले से ही जानकारी थी। हेलो, कौन बोल रही है? मैं रमानी बोल रही हूँ। दिनेश से कोई बूढ़ी औरत मिलने आई थी, पीने के लिए पानी मांगा और वो बेहोश हो गई। तुमने पूछा नहीं वो कौन है? पूछा था। हाँ। नाम जयलक्ष्मी था, तंजवूर गांव से थी। जयलक्ष्मी? लगता है कोई
बोलो रमानी, क्या बात है? ठीक है, मैं अभी आता हूं। दिनेश, ऐश्वर्या का ख्याल रखना। दिनेश, ऐश्वर्या का ख्याल रखना। वो चल बसी, कौन थी वो? बस एक ही बात कहती थी कि तुमसे माफी मांगनी है।